हेलो एवरीवन, आज मैं हूँ एमसी अल्ताफ के साथ, ए के ए अल्ताफ शेख। क्या बोल रही है पब्लिक, सीधा अपने हुड से नाके से पहुंच गए थे भाई इंटरव्यू के लिए, क्विंट मचाएंगे अभी। हम लोग ने गली बॉय का फर्स्ट शो देखा था। मैं पहले तो अल्ताफ भाई से पूछना चाहूंगा कि आपको पिक्चर कैसी लगी? बहुत सही भाई, मजा आया खुद को पहली बार बिग स्क्रीन पे देखने के लिए। मेरे फेवरेट एक्टर लोग हैं, उन लोग के साथ मेरे को स्क्रीन शेयर करने के लिए इतना मजा आया। मतलब एक टाइम पे हम लोग उनको देखते थे, हम लोग फैन थे उन लोगों के, और अभी उन लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो उन लोग सबको देख के एक साथ में, सब लोग एक ही स्क्रीन पे, पूरा मुंबई हिप हॉप मचा रहा है, देख के खुशी हो रही है भाई। बोल मेरे को ये बताइए, जो रणवीर का कैरेक्टर था वो करेक्टली डिपिक्ट हुआ है? मतलब ऐसा आप रिलेट कर पा रहे हैं? मैं क्या मतलब, ऐसा एक रैपर नहीं, कोई भी गेटो का लड़का अगर रहेगा तो लोग सब रिलेट करेंगे, हाँ ये तो मेरे साथ हुआ था एक टाइम पहले। टू दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एमसी अल्ताफ ने रणवीर सिंह को डायलॉग डिलीवरी सिखाई थी, ठीक है? आप बेसिकली उनके टीचर थे। हाँ, मतलब इतना हम लोग कुछ स्ट्रेस ही नहीं था, मैं खाली रणवीर भाई, हम लोग सब बैठते थे एक रूम में, हम लोग जैम करते थे। मतलब मेरे को तो कभी ऐसा उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि रणवीर भाई प्लीज़ ऐसा बोलने ट्राई करो प्लीज़, क्योंकि रणवीर भाई को पहले से पता था कि मैं कैसा बोलना चाहिए, और रणवीर भाई बहुत सही एक्टर है तो फटफट कैच कर लिए कि एक गली बॉय का स्लैंग कैसा रहता है। और कल मेरे को उनको देख के एक एक डायलॉग पे, हम लोग ने जब भी काम किए थे और वो डायलॉग जब मैं सुन रहा हूँ ऐसा बिग स्क्रीन पे, तो मेरे को एक स्माइल आ रही थी, मगर महसूस हो रहा है कि तो ये मेरा स्टूडेंट है। नहीं, ऐसा स्टूडेंट वाला वाइब नहीं, लेकिन मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि हम लोग इतना उस पर काम किए और आज वो इतना सक्सेसफुल, इतना अच्छा दिख रहा है। ऊपर मेरे को रणवीर भाई भी कल मिलते, ये बोले कि डायलॉग सब बहुत अच्छे लग रहे, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि एक लड़की डायरेक्टर ने हिप हॉप को इतना सपोर्ट करके हिप हॉप के ऊपर मूवी बनाया। आपके पेरेंट्स, ठीक है, यू कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, आपने कैसे कन्विंस किया? आपके पेरेंट्स अगेंस्ट थे, अब तो वो लोग सपोर्ट में है फुल पावर। वो हिप हॉप में मेरे को लगता है सिर्फ ऐसा, मैं एज अ रैपर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, हिप हॉप में हम लोग के माँ बाप लोग का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो लोग हम लोग को करने दे रहे हैं हिप हॉप। तो मेरे पापा को मेरा लिरिक स्टाइल बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कभी मेरे लिरिक स्टाइल में ऐसा कोई लड़की के ऊपर गाना नहीं बनाया, या ये फूको वो करो उसके ऊपर गाना नहीं बनाया, कभी क्रांतिकारी सोच अपनी ऐसा मेरा गाना रहता है और सोशलिज्म के बारे में रहता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पापा को वो अच्छा लगा बोल के मेरे पापा कभी मेरे को मना नहीं किए, कभी मेरे लिरिक्स की तारीफ ही की। क्या आपको लगता है कि गली बॉय हिप हॉप का सीन बदल देगी? मेरे को लगता है गली बॉय से मतलब हम लोगों एक ये मिलेगा फैन क्राउड, जिसमें इस टाइम सिर्फ जवान लड़के लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि सबके बच्चे लोग बोलेंगे हम लोग को लेके चलो पप्पा गली बॉय देखने का है, तो पेरेंट्स लोग भी बच्चे लोग के साथ देखेंगे और लोग को भी समझ में आएगा हिप हॉप। मेरे को कल एक अंकल मिले थे तो उन्होंने वो प्रीमियर में देख के मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को अभी रैप वैप कुछ पता नहीं है बेटा, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा और अभी से मैं घर पे आके सिर्फ हिप हॉप सुनूंगा। मतलब ओ हो क्या बात है, बोलते मेरे को प्यार हो गया चीज से, तुम लोग क्या कहानियाँ बोलते हो लिरिक्स में। आपका फैन बेस बढ़ेगा, फैन बेस बढ़ जाएगा और बच्चे लोग आएंगे, नया अपकमिंग बच्चे लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जब लोग पिक्चर तक कर सकते तो अभी अपन भी कर सकते। जब गली बॉय स्टार्ट हुई थी तो गली बॉय के स्टार्ट होने से पहले एक मैसेज आया था स्क्रीन पे, ट्रिब्यूट टू नेजी एंड डिवाइन। आप नए नए आए हैं सीन में, नेजी और डिवाइन को कैसे देखते हैं? मतलब मेरे लिए नेजी और डिवाइन भाई एनी टाइम मैं उन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अगर उन लोग ने ये ऐसा उन लोग सोचते नहीं थे कि हिप हॉप को इतना बड़े मेन स्ट्रीम जगह पर लेके आए तो आज ये होता नहीं था। पहली बात उन लोग ने जब भी मेरे गली में गाना बनाया और जब भी हम लोग ने उसको लाइव सुना था मेरे गली में गाना, तो तब भी मैं समझ गया कि अभी हिप हॉप का टाइम आ गया भाई, अभी कुछ सीन बन रहा है, ये है असली हिप हॉप। तो रैप पब्लिक कर रही थी लेकिन नेजी और डिवाइन ने कुछ अलग कर दिया इसमें, इसको बॉलीवुड तक लेके चले गए। तो शाउट आउट टू डिवाइन और नेजी, बहुत खतरनाक भाई लोग, मचाते रहो ऐसी। और रणवीर भाई भी अभी तो शाउट आउट टू रणवीर सिंह, क्या बोलते भाई। तो हाउ इज योर इक्वेशन विद ही हैड डन अ लॉट ऑफ सेशन, आप लोग सब उनके पास जाते थे, सब साथ में बैठ के जैम करते थे, वो एक्सपीरियंसेस कैसे थे? मतलब हम लोग को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग कुछ काम कर रहे, डायरेक्ट बीट चालू करते थे, रणवीर भाई पहला वर्स चालू करते थे तो रणवीर भाई ऐसा हाइपिंग करना चालू करते तो पब्लिक में सा अरे रणवीर सिंह वर्स कर रहा है तो अभी अपने को भी एक वर्स करना ही पड़ेगा। जब बैटल का शूट कर रहे थे तभी मेरे को याद है, मतलब मोस्टली रैपर लोग को एक चीज़ से चिढ़े कि उन लोग को सुबह कोई काम पे बुला देवे ना तो उन लोग नहीं जा पाते, तो एक तो रात की नींद लेट होने की वजह से सुबह हम लोग उठ के जाते थे उधर और बहुत नींद में रहते थे, तो हम लोग उधर ऐसा बैठे बैठे थक के सोने आ लेते थे, तो रणवीर भाई सीधा स्टेज पे आते थे और रोशन और डी साइफर आके बीट बॉक्सिंग करने लग जाते और रणवीर भाई इतना वर्स हाइप करने लग जाते और माइक पास कर देते रैपर लोग के बीच में।
एक वो स्पिट करते हैं रैपर लोग को माइक पास और सब रैपर लोग फिर नींद से उठ जाने का अभी मैं भी वर्स करूँगा ऐसा। तो आप ये लोग के टच में कैसे आए, जोया मैम, रणवीर सिंह, आपको कैसे अप्रोच किया ये लोग? मेरे को तो पता नहीं कैसा हुआ, एकदम जादू जैसा हो गया। मैं कोनो कोल भी सीखता हूँ हिप हॉप के, मतलब विवेक राजगोपालन सर है। तो एक बार विवेक सर को ये प्रोजेक्ट आया था इंडिया 91 गाने का, सर एक बार मेरे को पूछे कि करेगा क्या तू रिकॉर्ड, तो मैं बोला हाँ सर करूँगा। तो हम लोग सुबह स्टूडियो में गए और इंडिया 91 पहला गाना था गली बॉय का जब रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग। तो जोया दीदी आए थे देखने के लिए कैसा सीन है रैपर लोग, तो वो देख रहे थे, हम लोग जगह पे लिख रहे थे, फिर उधर देख रहे अपना कंपोजिशन करेक्ट करके गा रहे लिरिक्स। तो जोया दीदी को एकदम क्रिएटिव लगने लग गया और वो मेरे को पूछे, मतलब मैंने दिया था ऑडिशन गली बॉय का पहला, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि कॉल्स आते थे रैपर लोग को लेकिन मेरे को नहीं आ रहे थे। तो मैं समझ गया कि अपना कुछ सीन नहीं है अभी गली बॉय मूवी में, लेकिन टाइम नहीं आया। हाँ अपना टाइम नहीं आया ऐसा लगा था थोड़ी देर के लिए। फिर लोग मेरा नंबर लिए, लोग समझ गए कि वाइब अच्छा है रैपर लोग का, फिर उन लोग ने मेरे को इन्वॉल्व किया सीन में, डायलॉग लिखा मैंने, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा डायलॉग है, फिर हम लोग ने एडिशनल डायलॉग राइटिंग किया। गली बॉय में ऐसी एक कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है? खाली ऐसा लगता है अगली बार जब भी गली बॉय बनेगी ना, सिर्फ लड़के लोग नहीं लड़कियाँ भी आए, जैसा DMC अभी ये बार सिर्फ लड़की थी मूवी में, तो मैं चाहता हूँ और लड़की लोग को दिखाना चाहिए जोया दीदी लोग को। धारावी की बात है, ये गली छोटी स्लम थी, शाने सारे लड़के और उसमें से हम भी, सब क्रांतिकारी छोकरे, तू देना मत धमकी, आगे की सोच और छोड़ बातें कल की, तो सुन आया नया दौर तेरे सामने, कला मेरी भारी और कलम मेरे हाथ में, लिखा जो भी लिखा इन सड़कों पे सिखाना गरीब, मैं कहीं का पर संगीत का हूँ भूखा। ये इंडिया 91 गली बॉय चेक करो, सुन के देखो भाई MC अल्ताफ।